हाय ब्रोन, वेलकम टू माय चैनल अश्मिति कुक फैन फिक्शन। व्हेन ए रूड एरोगेंट बॉय प्रिटेंड टू बी लवली बॉयफ्रेंड का बट 17 स्टार्ट करने वाली हूँ, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे सुबह तंग पहले उठ जाता है और उठने के बाद वो देखता है उस जंगकुक के ऊपर सो रहा था। तब तंग सोले सोले जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक को देख कर ही तंग रेड हो जाता है, क्योंकि जंगकुक शार्टलेस था और तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। तब तंग अचानक से नोटिस करता है कि वो तो कोई भी क्लोथ में नहीं है। तब इसे नोटिस करने के बाद तंग एकदम से शॉक था और वो तुरंत जंगकुक के ऊपर से हटने की ट्राई करता है, पर उसे अपने बैक में बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है, जिस वजह से तंग शंकर भी अब जंगकुक के ऊपर से उठ नहीं पाता है। और उसके साथ जंगकुक उसके वश के अंदर अपने हाथ को भी ग्रैब करके रखा था। तब तंग उस पर करते हुए जंगकुक को कहता है, जंगकुक उठो प्लीज। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तंग फिर से कहता है, जंगकुक प्लीज उठो। तब जंगकुक अपना आइस को ओपन करता है और वो अपने स्लीपी वॉइस में कहता है, क्या हुआ है, तुम मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों उठा रहे हो। तब तंग तुरंत कहता है, मुझे थोड़ा सा हेल्प करोगे। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज था और वो तुरंत अपने आइस को फुल ओपन करते हुए कहते हैं, क्यों, क्या हो गया है। तब तंग तुरंत जंगकुक को कहते हैं, मैं बेड पर न्यूट क्यों हूँ, मेरी क्लोथ कहाँ पर है। तब यह सुनकर जंगकुक की फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो एक नॉटी स्माइल के साथ अपने हाथ सोले सोले नीचे की तरफ लेकर जाता है और तंग के आइस को ग्रैब करते हुए कहते हैं, क्यों, मैं क्या तुम्हें इस तरह से बेड पर नहीं रख सकती हूँ। तब तंग घबराते हुए जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, मुझे तुम क्यों इस तरह से टच कर रहे हो, प्लीज़ मत करो। तब जंगकुक तंग के कान के पास अपने डीप वॉइस में स्पर करते हुए कहता है, क्यों, कल रात बहुत ही ज़्यादा तुम मेरी नाम लेकर मौन कर रहे थे और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कल रात नहीं देखा हूँ, मैं तुम्हें फूल देखा हूँ, तो फिर अब ये सारे बातें करना बंद करो कि तुम बहुत ही ज़्यादा शार्प फील कर रहे हो। तब तंग फिर से रेड हो जाता है और जंगकुक को कहता है, तुम इतनी ज़्यादा शेमलेस कैसे बातें कर सकते हो। तब जंगकुक कहता है अपनी माउथ से, और मैं किस तरह से ये सारे शेमलेस बातें करूं। तब तंग कहता है, मुझे सिर्फ हेल्प करो प्लीज़, मेरी बैक में बहुत ही ज़्यादा पेन है। तब यह सुनकर जंगकुक तुरंत तंग को टर्न कर देता है। तब तंग पेन की वजह से चिल्ला कर कहता है, मुझे पेन हो रहा है, तुम मुझे अचानक से क्यों पलट दिया हो। तब जंगकुक डायरेक्ट तंग की तरफ देखने लगता है और तंग की चिन को पकड़ते हुए कहता है, चलो एक राउंड ले ही लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात के लिए सा सकते हैं। तब यह सुनकर तंग एकदम से शॉक हो जाता है और तुरंत कहते हैं, नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ और कोई भी राउंड। तब जंगकुक कहते हैं, प्लीज़ वन राउंड, उसमें मुझे इसकी ज़रूरत है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। और यह कहकर जंगकुक अपने हाथ अब सोले सोले तंग के स्टमक से होकर उसकी चेस्ट की तरफ लेकर जाता है और उसके निपल्स को पिंस करता है। तब तंग और भी ज़्यादा शॉक था, उसके हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया था और तंग तुरंत अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है, क्योंकि वो मौन नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है अगर वो एक बार भी गलती से मौन कर लिया तो फिर जंगकुक उसे नहीं छोड़ेगा। तब जंगकुक तंग को कहते हैं, क्यों, क्या हुआ है, अपने लिप्स को बाइट मत करो, मैं और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाऊँगी। तब यह सुनकर तंग और भी ज़्यादा रेड हो जाता है और कहते हैं, प्लीज़ जंगकुक अभी से बंद करो, चलो शावर के ले जाते हैं और मुझे तुम क्लोथ पहनने में भी हेल्प करोगे, मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन है। तब जंगकुक तंग की तरफ सिर्फ देखने लगता है, फिर कुछ देर सोचने के बाद कहता है, चलो शावर लेते हैं, तुम सच में अच्छी बात कहा हो, तुम्हें बीच से रिलीफ फील होगा और मैं भी शायद सेटिस्फाइड हो जाऊँ। और यह कहकर जंगकुक तुरंत तंग को बाइट स्टाइल में अपने गोद में उठा लेता है। तब तंग तुरंत कहते हैं, तुम क्या बोल रहे थे अभी। तब जंगकुक कहते हैं, तुम्हारे जानने की बात नहीं है कि मैं तुम्हें क्या बोल रहा था। और यह कहकर जंगकुक तुरंत तंग को लेकर बाथरूम के अंदर चला जाता है। तब तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ देख रहा था, जिसके फेस पर एक इविल स्माइल था और तंग समझ नहीं पा रहा था कि जंगकुक के फेस पर इविल स्माइल क्यों है। तब जंगकुक बाथरूम के अंदर जाने के बाद ही तुरंत बाथरूम की डोर को लॉक कर देता है और
प्रीतम को तुरंत वॉल के साथ पिन कर देता है और बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसे एग्रेसिवली किस करना स्टार्ट कर देता है। तब तक एकदम उसे शौक था, वो किस का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तब जंगकुक सोली सोले किस को ब्रेक कर देता है और तंग उस पर करते हुए कहता है, मेरा किस का रिस्पॉन्स करो और अपनी मौत को पिन करो। और ये कहकर जंगकुक फिर से तंग के लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर देता है और अपने टंग को तुरंत तंग की मौत के अंदर स्लाइड कर देता है। तब तंग भी जो इस बार जंगकुक के साथ उसकी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक किस को ब्रेक करते हुए तंग को सॉफ्टली कहता है, सिर्फ वन राउंड प्लीज़। तब तंग तुरंत जंगकुक को कहता है, प्लीज़ नहीं, मेरे सच में बैक में पेन है, तुम रात तक वेट। तभी जंगकुक उसे काट देता है और कहता है, मैं वेट नहीं कर सकती हूँ, इसी वजह से मैं कह रही हूँ वन राउंड, जिसमें मैं इससे ज़्यादा एक भी राउंड ज़्यादा नहीं लूँगी, सिर्फ वन राउंड। तब तंग सिर्फ जंगकुक की पापी आइस की तरफ देखने लगता है और उस सोले अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, ओके सिर्फ वन राउंड। तब ये सुनकर जंगकुक के फेस पर एक बड़ा सा बनी स्माइल आ जाता है और तंग को कहता है, थैंक यू सो मच, मैं ज़्यादा रफ नहीं बनूँगी, मैं बहुत ही ज़्यादा स्वीट बनूँगी। और ये कहकर जंगकुक सोले सोले अपनी फेस तंग के नेक के पास लेकर जाता है और उसके नेक के स्मेल को इनहेल करने लगता है और उसके साथ उसके नेक पर अपने नोज़ को रफ करने लगता है। तब तंग अपने आइस को टाइटली बंद करके रखता है और जंगकुक की टेस्ट को फिल करने लगता है। तब जंगकुक सोले सोले अपने टंग से जंगकुक तंग के नेक को लिक करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग अपने बॉटम लिप्स को बाइट करके अपने मौन को रोकने की ट्राई करता है। तब जंगकुक सोले सोले तंग के नेक पर किस करना स्टार्ट कर देता है और सोले सोले उसकी कॉलर बोन की तरह आने लगता है। तब तंग सोले सोले मौन करना स्टार्ट कर देता है और जंगकुक तंग के मौन के आवाज़ से और भी ज़्यादा क्रेजी हो रहा था। पर जंगकुक अब और आगे जा पाता उसके पहले ही बाहर से सरबेन बाथरूम के डोर पर नॉक करते हुए कहता है, सर आपको आपके असिस्टेंट कॉल किया था और वो आपको जल्दी से कंपनी में जाने के लिए कहा है, कोई इम्पोर्टेंट काम है। तब ये सुनकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड हो जाता है पर जंगकुक कैंसल नहीं करता है। तब जंगकुक के सर्वेंट फिर से कहते हैं, सर आप क्या अंदर है, प्लीज़ आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी असिस्टेंट कह रहा था ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी जाना होगा। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आते हुए तंग की तरफ देखता है जो अपनी रेड आइस के साथ जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, हाँ मैं अंदर हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं कुछ देर के अंदर ही आ रही हूँ। तब सर्वेंट तुरंत कहता है, उनके सर जल्दी से आ जाइए। तब जंगकुक और कोई भी आंसर नहीं देता है पर वो तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग तुरंत जंगकुक को खुद के पास से पुश कर देता है और कहता है, अब जल्दी से अपनी वर्क के ले जाओ, आई थिंक तुम्हारी वन राउंड नहीं लेना होगा। और यह कहकर तंग जल्दी से बाथटब की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक सिर्फ तंग की तरफ देख रहा था। फिर जंगकुक गुस्से में कहता है, फिक्र मत करो, इतनी भी ज़्यादा खुश भी मत होना, क्योंकि मेरे पास टाइम तो ज़रूर है, पता नहीं मैं कब वापस आ जाऊँ और कब मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करूँ। तब तंग स्माइल करता है और कहता है, ओके जब तुम्हारी मन चाहे तब कर लेना, पर अब मुझे फ्रेश होने दो। और ये कहकर तंग बाथटब में बात लेने लगता है। तब जंगकुक जल्दी से शावर के नीचे चला जाता है और खुद को काम डाउन फील कराते हुए एक कोल्ड बाथ लेता है। फिर आधे घंटे बाद जंगकुक खुद भी अपनी क्लोथ पहनकर तंग को भी ड्रेसअप कराने में हेल्प कराकर जंगकुक बाथरूम से बाहर आ जाता है और उसके बाद वो तंग के साथ जल्दी से नीचे आ जाता है। नीचे आकर जंगकुक तंग के साथ अपने ब्रेकफास्ट कर लेता है और तंग को पिंक कलर देते हुए उसके बाद जंगकुक तंग को अपने काम वॉइस में कहता है, तुम आज के लिए रेस्ट कर लो, आज अपनी क्लास के लिए मत जाओ कि तुम टायर्ड होगे, कल तुम चले जाना। और ये कहकर जंगकुक तंग के फोरहेड पर सॉफ्टली किस करता है और जल्दी से वो बाहर चला जाता है। तब तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक कार में जाने के बाद जल्दी से अपनी असिस्टेंट को कॉल करता है
तब जंगू के असिस्टेंट तुरंत कॉल को उठा लेता है। तब जंगू कहता है, मुझे अर्जेंटली क्यों तुम बुला रहे थे? तब जंगू के असिस्टेंट तुरंत कहता है, सर यहाँ पर आपके साथ कोई मिलने के लिए आया है। तब जंगू तुरंत कहता है, कौन है उसके नेम? तब तुरंत जंगू के असिस्टेंट कहता है, सर मुझे नहीं पता, मैं उससे पूछा हो पर वो मुझे बोलने के लिए राजी नहीं है। तब जंगू कहता है, ये क्या मिस ली है? तब जंगू के असिस्टेंट कहता है, नहीं सर ये मिस ली नहीं है बल्कि कोई और है। तब जंगू के एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके मैं आ रही हूँ, तब तक उसे वहाँ पर ही रुकने के लिए कहो। तब जंगू के असिस्टेंट कहता है, ओके सर। तब जंगू तुरंत कॉल को कट कर देता है और सोचने लगता है, कौन ऐसा पर्सन हो सकता है जो जंगू के साथ मिलने के लिए आ गया है? और जंगू सच में कॉन्फ्यूज था। फिर आधे घंटे बाद जंगू जब अपनी कंपनी में पहुंचता है, तब जंगू सीधा अपनी केबिन की तरफ चला जाता है। जंगू जब केबिन के डोर को ओपन करने ही वाला था, तभी जंगू के असिस्टेंट जंगू को कहता है, सर वो आपकी केबिन में वेट कर रहा है। तब जंगू खामे अपने सिर हिला देता है और उसके बाद अपने केबिन की डोर को ओपन करते हुए जल्दी से केबिन के अंदर जाता है। तब जंगू अंदर जाने के बाद देखता है एक लेडी जो चुपचाप बैठकर जंगू के लिए वेट कर रहा था। तब जंगू को अपनी कोल वॉइस में कहता है, तुम कौन हो, मेरे लिए क्यों वेट कर रहे थे? तब तुरंत वो लेडी पीछे की तरफ टर्न होता है। तब जंगू उसे देखकर एकदम से शॉक था, जंगू की ब्रीथ रुक गया था और वो सिर्फ उस लेडी की तरफ ही देखने लगता है। तब वो लेडी बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से जाकर जंगू को टाइटली हक कर लेता है। तब जंगू कभी भी शौक था और जंगू को उसे हक बैक नहीं करता है। तब वो लेडी कहता है, क्या हुआ है जंगू, तुम मुझे हक बैक क्यों नहीं किया हो? तब जंगू तुरंत ही उसे हक बैक कर लेता है और जंगू खुद भी उसे टाइटली हक करते हुए कहता है, तुम कहाँ पर थे, तुम जिंदा थे? तब तुरंत वो लेडी कहता है, हाँ मैं जिंदा थी, तुम क्यों ऐसा सोच रहे थे? तब जंगू उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक करके रखता है और जैसे जंगू को उसे सोने के लिए रास ही नहीं है। फिर कुछ मिनट बाद जंगू सोली सोली हक को ब्रेक कर देता है और जंगू उस लेडी को कहता है, तुम इतने टाइम से कहाँ पर थे, मेरे पास तुम वापस क्यों नहीं आ रहे थे, मुझे बोलो। तब तुरंत वो लेडी कहता है, मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती थी पर मैं कुछ रीज़न की वजह से नहीं आ पा रही थी। तब जंगू सिर्फ उसकी तरफ देखने लगता है और जंगू तुरंत कहते हैं, दोबारा से मुझसे सुरकर मत जाना, फुल 1 ईयर से तुम गायब थे और तुम क्या सोच रहे थे कि मैं तुम्हारे अलावा बहुत ही ज़्यादा खुश थी? तब तुरंत वो लेडी स्माइल करते हुए कहते हैं, आई नो कि तुम अभी भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसी वजह से मैं वापस आ गई हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मेरी जंगू मेरे लिए वेट कर रहा होगा। तब जंगू कहते हैं, ऑब्वियसली मैं वेट कर रही थी, हर वक्त मैं वेट कर रही थी, तुम्हें पता भी नहीं है मैं गॉड के पास कितनी ज़्यादा प्रे किया हूँ तुम वापस आने के लिए और तुम फाइनली वापस आ गए हो। तब वो लेडी स्माइल करते हैं और कहते हैं, मैं वापस ना आकर क्या कर सकती थी? तब तुरंत जंगू कहते हैं, पर लिया तुम इतने टाइम से क्यों मेरे पास से दूर थे, तुम क्यों मेरे पास वापस नहीं आए? तब लिया तुरंत कहते हैं, मैं आना चाहती थी पर मेरे पास तब हम दोनों एक साथ रहने के बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। तब ये सुनकर जंगू तुरंत कहते हैं, क्या है वो? तब लिया स्माइल करता है और कहते हैं, मैं तुम्हें शाम के टाइम पर दिखाऊंगी, मैं 100% श्योर हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा खुश होगे और मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें और सुनकर नहीं चाहूँगी, हम दोनों अब होल लाइफ तक एक साथ ही रहेंगे। तब जंगू लिया की तरफ देखने लगता है। तब लिया कहता है, हम दोनों जो प्लान किए थे वो सब कुछ अब हम लोग सक्सेस करेंगे, हम दोनों एक साथ हैप्पीली रहेंगे हमारी फैमिली के साथ और हम दोनों पहले की तरह ही एक स्वीट कपल बन जाएंगे। तब कपल वर्ड सुनकर ही जंगू का अचानक से शॉक हो जाता है और उसे तंग के बारे में याद आ जाता है और जंगू लिया को अपने काम वॉइस में कहते हैं, लिया हम लोग अभी से एक साथ नहीं रहेंगे। तब ये सुनकर लिया कॉन्फ्यूज होते हुए कहते हैं, क्या हुआ है जंगू, हम लोग क्यों एक साथ नहीं रहेंगे? तब जंगू अपने काम वॉइस में कहते हैं, मैं मैरिड हूँ। तब ये सुनकर लिया एकदम से फ्रीज हो जाता है और
शौक होते हुए जंग को कहता है, क्या तुम शादी कर लिया हो? सिर्फ मैं 1 ईयर नहीं थी, तुम कैसे सब कुछ कर सकते हो? यही तुम्हारी प्यार था जो तुम 1 ईयर तक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और तुम किसी और से शादी कर लिया हो। तब शंगुक तुरंत कहता है, ऐसा नहीं है लिया, तुम गलत सोच रहे हो। तब लिया रोते हुए कहता है, मुझे सच में पता नहीं था तुम मुझे धोखा दोगे, मैं सच में गलत निकला हो। मुझे शायद तुम्हारे साथ कभी रहने के बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं था, मुझे यहाँ पर वापस आना भी नहीं चाहिए था। मैं मेरी लाइफ में फुल खुश थी, मैं क्यों यहाँ पर वापस आ गई हूँ? मैं सोच रहा था कि मेरी जंगुक मेरे लिए बहुत ज़्यादा सैड होगा, वो मेरे लिए वेट कर रहा होगा, पर मैं गलत हूँ, वो तो मूव ऑन करके किसी और के साथ शादी भी कर लिया है। तुम इतने ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकते हो जंगुक? मुझे नहीं पता था तुम इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए। तब जंगुक नीचे की तरफ देखते हुए कहते हैं, लिया तुम गलत सोच रहे हो, मैं सिर्फ उससे रिबन्स के लिए शादी किया था, वो मिस्टर किम के सन है। तब ये सुनकर लिया गुस्से में कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं जानती हूँ तुम उसके साथ अब खुश हो और तुम्हारे निक में ही किस क्या कर रहा है, मुझे बोलो, अब ये मत कहना कि तुम उसके साथ इंटीमेट भी हुआ हो। तब जंगुक ये सुनकर नीचे की तरफ देखने लगता है। तब लिया एक ब्रोकन स्माइल के साथ कहते हैं, ठीक है चलो, ऐसे भी मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मेरी गलती है, मैं क्यों जल्दी से वापस नहीं आई थी, मुझे जल्दी वापस आना चाहिए था। पर तुम जबकि अपने न्यू हस्बैंड के साथ खुश हो तो फिर तुम उसके साथ ही रह सकते हो, मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूँगी मेरी लाइफ में फिर से आने के लिए, तुम जिसके साथ खुश हो उसके साथ ही रहो, मैं सिर्फ प्रे करूँगी कि तुम उसके साथ खुश रहोगे। तब जंगुक बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा सैड भी था और वो सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तुरंत लिया स्माइल करते हुए कहते हैं, पर फिर भी तुम क्या आज मेरे घर में आ सकते हो? मैं जो कहा था तुम्हारे लिए, मेरे पास एक सरप्राइज है और मैं तुम्हें वो दिखाना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उस सरप्राइज को मत देखो। तब जंगुक अपने काम वॉइस में कहते हैं, मैं ज़रूर आऊँगी लिया, फिक्र मत करो, और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मैं तुमसे अलग रहना चाहती हूँ, मैं अभी भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ रिबन्स के वजह से उससे शादी किया था और कुछ भी नहीं। तब लिया कहता है, हाँ मुझे पता चल ही रहा है कितने ज़्यादा तुम मुझसे रिबन्स ले रहे हो, इसी वजह से तुम्हारे निक में हिकेस है, राइट? तब जंगुक तुरंत कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, कल डंग था, सिर्फ इसी वजह से ऐसा था, वरना और हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। तब लिया कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट करती हूँ कि वो पर्सन डंग था और इसी वजह से ऐसा हुआ है, मैं तुम्हारी हर बातों पर ट्रस्ट करती हूँ। और एक हैकर लिया स्माइल करते हुए जंगुक को फिर से हक कर लेता है। तब जंगुक लिया को भी हक बैक करता है, पर जंगुक बहुत ही ज़्यादा सैड था क्योंकि वो झूठ कहा था लिया को, तुम कल डंक नहीं था, वो कल डंक नहीं था, जो भी कुछ हुआ था उन दोनों के फुल सेंस में हुआ था। और जंगुक इस वजह से भी रिग्रेट कर रहा था कि वो अब तंग को क्या बोलेगा, अब तंग उसके हस्बैंड है तो फिर उसे जानने की हक है। पर जंगुक ये डिसाइड कर लिया था कि अब के लिए वो सिर्फ इसे जैसे भी करके अब शांत रखना चाहता है, बाद में जाकर जंगुक निपट लेगा कि उसे असल में क्या करना चाहिए, वो तंग के साथ कामली इस बारे में बातें करेगा और उसके साथ लिया के साथ भी वो ठीक ठाक से बातें करके सब कुछ ठीक कर सकता है। जंगुक लिया को नहीं सोच सकता है और उसके साथ तो तंग को भी नहीं सोच सकता है, और जंगुक इस बात से कॉन्फ्यूज था कि असल में उसे क्या करना चाहिए। फिर जंगुक एक लंबा सांस छोड़ता है और लिया को कहता है, लिया चलो हम लोग थोड़ा सा बाहर जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं बहुत टाइम के बाद मिला हो और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इस फुल 1 ईयर के बारे में बोलो कि तुम इस 1 ईयर के अंदर क्या कर रहे थे। तब लिया तुरंत कहते हैं, हाँ हाँ भी क्यों नहीं। तब जंगुक सिर्फ कह देता है और उसके बाद लिया के साथ अपनी कोल्ड फेस के साथ जाने लगता है, क्योंकि एवरीवन इसके लिए बस इतना ही